enjoy. Lifetime treatment. आज से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और ये पूरे अपने जितने भी परिसर हैं सभी परिसरों में तत्त दिन 21 जून से पूर्व करना है, एक लोगों में अभ्यास डालने के लिए। उस दृष्टि से हमारे यशस्वी कुलपति जी का यह सत प्रयास है और यह एक पूरे विश्व के लिए स्वाभाविक क्रिया बन गई है। जिन ढूंढा तिन पाइयां, आप लोग नए हैं, आप लोगों का इसका फायदा नहीं पता चल रहा है कि चूंकि आपका खून नया है तो अभी आपको उतनी परेशानियां नहीं है, लेकिन जो थोड़ा पुराने हैं उसे तुरंत फायदा पता चलता है। निश्चित रूप से आप भी इसके फायदा का अनुभव करेंगे नियमित यदि हम इसको करेंगे। आज इसका शुभारंभ है, ये आपका 15 दिन तक चलेगा, बीच बीच में और भी कार्यक्रम चलेंगे और उसके बाद फिर अंतिम दिन जो है वह प्रोग्राम होगा। तो अभी आप लोग करें, मैं इतना ही कह करके आपका इसका विराम ले रहा हूँ। हमारे इस योग प्रशिक्षण शिविर के जो योग प्रशिक्षक हैं सूर्यकांत चौबे जी, इनका स्वागत करते हैं हम सभी करतल ध्वनि से, इनका धन्यवाद करेंगे। हमारे निदेशक जी का भी धन्यवाद करेंगे जो ऐसा अवसर उन्होंने हमें प्रदान किया है। अब सूर्यकांत जी कृपया आरंभ करें। नमो नमः। मैं निदेशक महोदय जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी छात्र व छात्राओं को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय योग महोत्सव के रूप में मनाने जा रहा है। सभी से निवेदन है कि योग अभ्यास नियमित करें और अपनी दिनचर्या में डालें। योग अभ्यास प्रारंभ करेंगे। अपनी आसन पर सुखासन या वज्रासन में बैठेंगे। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, चेहरे की मांसपेशियां सामान्य करें, स्वास्थ्य सामान्य, चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, प्रसन्न मुद्रा में, संपूर्ण वर्टिब्रास को ढीला करते हुए मेरुदंड को सीधा करें। एक से दो गहरी श्वास अंदर लें और गहरी श्वास बाहर छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। प्राणायाम मुद्रा, दोनों हाथों को चेस्ट के पास में जोड़ते हुए हथेलियों को जोड़ें, प्रार्थना करेंगे, एक लाइन बोलेंगे, आप दोहराना। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
दोनों हथेलियों को रिमूव करते हुए घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में आइए। दोनों हथेलियों ज्ञान मुद्रा में, श्वास प्रश्वास सामान्य करें, एक से दो गहरी श्वास अंदर लें और गहरी श्वास बाहर छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। तीन बार प्रणवनाद ओमकार का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास अंदर लें, ओ होने वाली मस्तिष्क पर जो तरंग हैं, उनका अवलोकन करें और श्वास प्रश्वास सामान्य करें। धीरे से दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। घर्षण, दोनों हथेलियों पर ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद धीरे से आंखों पर, माथे पर और गालों पर स्पर्श कराएं। धीरे से अपनी आंखों को खोलें, श्वास प्रश्वास सामान्य करें। दोनों हाथों को सामने की तरफ ओपन करें, अंगूठा अंदर की ओर, उंगलियां बाहर की ओर, 10 बार रहेगा। इनहेल करते हुए बंद करें, एक्सहेल करते हुए ओपन करें। 10 इनहेल, एक्सहेल। 9 इनहेल, एक्सहेल। 8 इनहेल, एक्सहेल। 7 इनहेल, एक्सहेल। 6 इनहेल, एक्सहेल। 5 इनहेल, एक्सहेल। 4 इनहेल, एक्सहेल। 3 इनहेल, एक्सहेल। 2 इनहेल, एक्सहेल। 1 इनहेल, एक्सहेल। धीरे से अभ्यास को विराम दें। दोनों हथेलियां घुटनों पर लाइए। हर अभ्यास के बाद एक से दो गहरी श्वास अंदर लेनी है और गहरी श्वास बाहर छोड़नी है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने मुट्ठी बंद करते हुए इनहेल करते हुए अप करें ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन करें। 10 इनहेल, एक्सहेल। 9 इनहेल, एक्सहेल। 8 इनहेल, एक्सहेल। 7 इनहेल, एक्सहेल। 6 इनहेल, एक्सहेल। 5 इनहेल, एक्सहेल। 4 इनहेल, एक्सहेल। 3 इनहेल, एक्सहेल। 2 इनहेल, एक्सहेल। 1 इनहेल, एक्सहेल। धीरे से अभ्यास को विराम दें। दोनों हथेलियों को घुटनों पर लाइए। मेरुदंड सीधा, चेहरे की मांसपेशियां सामान्य करें। एक से दो गहरी श्वास अंदर लें और गहरी श्वास बाहर छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। तीसरा अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर ओपन करें, दोनों हथेलियों को क्लॉकवाइज घुमाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करें विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से अभ्यास को विराम दें और श्वास प्रश्वास सामान्य करें। कोहनियों को, हथेलियों को, दोनों शोल्डर्स को ढीला छोड़ दें। एक से दो गहरी श्वास अंदर और गहरी श्वास बाहर लें। हर अभ्यास के बाद एक से दो गहरी श्वास अंदर लेनी है, 5 सेकंड का रिलैक्स करना है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। डीप इनहेल,
डीप एक्सहेल। चौथा अभ्यास, दोनों हाथों को सामने की ओर ओपन करें, हथेलियों का अग्रभाग आसमान की ओर रहेगा। इनहेल करते कोहनिया मोड़ते हथेलियों को शोल्डर पर लाइए, एक्सहेल करते ओपन कीजिए। फाइव इनहेल एक्सहेल, फोर इनहेल एक्सहेल, थ्री इनहेल एक्सहेल, टू इनहेल एक्सहेल, वन इनहेल एक्सहेल। यहीं से हाथों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, राइट लेफ्ट साइड लाइए, कोहनिया मोड़ते हुए इनहेल करते हुए फाइव एक्सहेल ओपन, फोर इनहेल एक्सहेल, थ्री इनहेल एक्सहेल, टू इनहेल एक्सहेल, वन इनहेल एक्सहेल। श्वास प्रश्वास सामान करते हुए अभ्यास को विराम दें। मेरुदंड सीधा, चेहरे की मांसपेशियां सामान, चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, प्रसन्न मुद्रा में एक से दो गहरी श्वास अंदर लें और गहरी श्वास बाहर छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, कोहनियां मोड़ते हुए शोल्डर पर रखिए दोनों हथेलियां, दोनों की स्कंद शक्ति विकास व्यायाम है। पांच चक्र क्लॉकवाइज और फाइव चक्र एंटी क्लॉकवाइज, फाइव फोर थ्री टू वन, चेंज करें विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, वन टू थ्री फोर फाइव। धीरे से अभ्यास को विराम दें, दोनों शोल्डर्स को ढीला छोड़ दें, कोहनियों को ढीला छोड़ें, हथेलियों को ढीला छोड़ें, चेहरे की मांसपेशियां सामान्य करें। एक से दो गहरी श्वास अंदर, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, डीप इनहेल डीप एक्सहेल। ध्यानात्मक अभ्यास रहेगा, इनहेल करते हुए दोनों शोल्डर्स को अप करना है, ऊपर उठाइए, एक्सहेल करते हुए डाउन कीजिए, ढीला छोड़िए शरीर को। टेन इनहेल एक्सहेल, नाइन इनहेल एक्सहेल, एट इनहेल एक्सहेल, सेवन इनहेल एक्सहेल, सिक्स इनहेल एक्सहेल, फाइव इनहेल एक्सहेल, फोर इनहेल एक्सहेल, थ्री इनहेल एक्सहेल, टू इनहेल एक्सहेल, वन इनहेल एक्सहेल। यहीं से दोनों शोल्डर को क्लॉकवाइज घुमाइए, हथेलियां घुटनों पर ही रहेंगी। ध्यानात्मक अभ्यास है, गति सामान्य रहेगी, श्वास प्रश्वास सामान्य करते हुए गति को अभ्यास कीजिए। फाइव फोर थ्री टू वन, चेंज करें विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, वन टू थ्री फोर फाइव। धीरे से अभ्यास को विराम दें, दोनों शोल्डर्स को ढीला छोड़ दें, कोहनियों को ढीला छोड़ें, श्वास प्रश्वास सामान्य करें। एक से दो गहरी श्वास अंदर, डीप इनहेल, गहरी श्वास बाहर छोड़िए, डीप एक्सहेल। अगला अभ्यास फेफड़ों के लिए, दोनों लंग्स के लिए, दोनों हाथों को सामने की ओर ओपन करें, इनहेल करते हुए पीछे ले जाइए, एक्सहेल करते हुए सामने। फाइव इनहेल एक्सहेल, फोर इनहेल एक्सहेल, थ्री इनहेल एक्सहेल, टू इनहेल एक्सहेल, वन इनहेल एक्सहेल। धीरे से अभ्यास को विराम दें, श्वास प्रश्वास सामान्य करें, संपूर्ण ध्यान फेफड़ों पर लाइए, जो अभ्यास किया है उसका अवलोकन करें। डीप इनहेल डीप एक्सहेल, डीप इनहेल डीप एक्सहेल। अगला अभ्यास ध्यानात्मक रहेगा, गर्दन के लिए, गर्दन को राइट साइड ट्विस्ट करें, राइट साइड होल्ड कीजिए, फाइव फोर थ्री टू वन, श्वास लेते हुए मिडिल पर आइए, लेफ्ट साइड होल्ड करके रखिए, फाइव फोर थ्री टू वन, श्वास लेते हुए मिडिल पर लाइए गर्दन को, इनहेल करते हुए पीछे लेकर जाइए गर्दन को, अप करें, होल्ड कीजिए, फाइव फोर थ्री टू
वन। श्वास लेते हुए मिडिल पर लाइए, श्वास प्रश्वास सामान्य करें, गहरी श्वास अंदर लें, डीप इनहेल एक्सहेल विद डाउन। श्वास को बाहर छोड़ते हुए गर्दन को डाउन करें, चिन चेस्ट पर टच होते हुए होल्ड कीजिए, पृष्ठ भाग से गर्दन पर खिंचाओ। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए मिडिल पर लाइए, गर्दन का हाफ मूवमेंट राइट साइड रहेगा, हाफ राइट साइड घुमाना है, चिन हमारी राइट शोल्डर पर रहेगी, राइट साइड होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए मिडिल पर आइए, मध्य पर धीरे से इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड, चिन लेफ्ट शोल्डर पर होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए मिडिल पर आइए, गर्दन की संपूर्ण मांसपेशियां सामान्य करें, क्लॉकवाइज घुमाइए, 5 चक्र क्लॉकवाइज। एक्सहेल करते हुए गर्दन सामने की ओर मूवमेंट करेगी और इनहेल करते हुए पीछे की ओर गर्दन मूवमेंट करेगी। 5 4 3 2 1। चेंज करें, ध्यानात्मक अभ्यास है, गति सामान्य रहेगी, संपूर्ण नाजुक मांसपेशियां हमारी गर्दन पर विद्यमान है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, गर्दन को विपरीत घुमाइए। 5 4 3 2 1। धीरे से अभ्यास को विराम दें, गर्दन की संपूर्ण मांसपेशियां को सामान्य करें, मेरुदंड सीधा, चेहरे की मांसपेशियां सामान्य करें, चेहरे पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। 1 से 2 गहरी श्वास अंदर लें और गहरी श्वास बाहर छोड़ें। डीप इनहेल डीप एक्सहेल, डीप इनहेल डीप एक्सहेल। दोनों हाथों को सामने जमीन पर रखें, अंगूठे अंदर की ओर, उंगलियां बाहर की ओर, मुट्ठी बंद करें। इनहेल करते हुए राइट हैंड को अप करें ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन, लेफ्ट से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 5 इनहेल एक्सहेल 4 इनहेल एक्सहेल 3 इनहेल एक्सहेल 2 इनहेल एक्सहेल 1 इनहेल एक्सहेल। धीरे से अभ्यास को विराम दें, हाथ वहीं पर रहेंगे, दोनों हथेलियों को आपस में लॉक करें, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को अप करें, एक्सहेल करते हुए डाउन करें। 5 इनहेल एक्सहेल 4 इनहेल एक्सहेल 3 इनहेल एक्सहेल 2 इनहेल एक्सहेल 1 इनहेल एक्सहेल। यहीं से क्लॉकवाइज घुमाइए, दोनों हाथों को क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। चेंज कीजिए विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। धीरे से अभ्यास को विराम दें, कोहनियों को ढीला छोड़ें, हथेलियों को, दोनों शोल्डर्स को ढीला छोड़ते हुए श्वास प्रश्वास सामान्य करें। 1 से 2 गहरी श्वास अंदर लें और गहरी श्वास बाहर छोड़ें। डीप इनहेल डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, गहरी श्वास अंदर लीजिए, डीप एक्सहेल। अगला अभ्यास पर्वतासन का, दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में सामने से हृदय के पास में लाइए, इनहेल करते हुए चिन नासिका माथे से अंगूठा टच करते ऊपर ले जाइए, संपूर्ण शरीर को ऊपर खींचते हुए कोहनियों को सीधा करें, होल्ड कीजिए, आंखें बंद, ध्यानात्मक अभ्यास है, किसी केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 5 4 3 2
वन, धीरे से माथे पर रखिए, पर्वतासन का तीन चक्र करेंगे, श्वास प्रश्वास सामान्य करें, दूसरा अभ्यास, दूसरा चक्र करेंगे, इनहेल करते कोहनिया सीधी करते हुए अप करें, होल्ड कीजिए, हर श्वास के साथ शरीर को ऊपर खींचने का प्रयास करें, कोहनिया सीधी रहेंगी, हमारी दोनों भुजाएं कानों के पास में रहेंगी, श्वास प्रश्वास सामान्य करें, संपूर्ण ध्यान हृदय प्रदेश और मस्तिष्क पर, कोहनियों पर, हथेलियों पर लेकर आइए, 5, 4, 3, 2, 1, एक्सहेल करते हुए मिडिल पर तीसरा चक्र कीजिए, डीप इनहेल अप, होल्ड कीजिए, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से अभ्यास को विराम देंगे, गति सामान्य रहेगी, जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस आएंगे, मिडिल पर आइए, माथे पर अंगूठा टच कीजिए, नासिका पर, दोनों नुक्कड़ पर, लिप पर और चिन पर, हृदय प्रदेश पर प्राणायाम मुद्रा को रिमूव करेंगे, श्वास प्रश्वास सामान्य करें, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, दोनों हाथ सामने करें, अपनी आसन पर खड़े होंगे बगैर सपोर्ट के, श्वास प्रश्वास सामान्य, 1 से 2 गहरी श्वास अंदर लें और गहरी श्वास बाहर छोड़ें, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, दोनों पैरों को आपस में टच करें, राइट लेग ओपन कीजिए, दोनों हथेलियां कमर के पीछे लॉक कीजिए, राइट लेग ओपन, इनहेल करते हुए पंजे को अप करें अपनी साइड ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन, धीरे से अभ्यास को विराम दें, राइट लेग को ओपन करें, क्लॉक वाइज घुमाइए, 1, 2, 3, 4, 5, चेंज करें विपरीत एंटी क्लॉक वाइज, 5, 4, 3, 2, 1, चेंज कीजिए पैर, लेफ्ट लेग को ओपन करें सामने, पंजे को क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे, 5, 4, 3, 2, 1, चेंज कीजिए विपरीत एंटी क्लॉक वाइज, 1, 2, 3, 4, 5, धीरे से अभ्यास को विराम दें, श्वास प्रश्वास सामान्य करें, 1 से 2 गहरी श्वास अंदर और गहरी श्वास बाहर लें, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, अगला अभ्यास घुटनों के लिए, दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे, दोनों हथेलियां घुटनों पर स्थापित करें, चेस्ट सामने, चेहरे सामने, फेस को सामने करें, श्वास प्रश्वास सामान्य करते हुए 5 चक्र क्लॉक वाइज घुमाइए दोनों घुटनों को, 5, 4, 3, 2, 1, चेंज करें विपरीत एंटी क्लॉक वाइज, विपरीत घुमाइए, 1, 2, 3, 4, 5, धीरे से अभ्यास को विराम दें, श्वास प्रश्वास सामान्य करें, हर अभ्यास के बाद 1 से 2 गहरी श्वास अंदर लें और गहरी श्वास बाहर छोड़ें, घुटनों की मांसपेशियों को शांत करें, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, अगला अभ्यास कमर के लिए, दोनों पैरों में कमर के समान गैप, 1 से 1.5 फीट का गैप, 5 चक्र क्लॉक वाइज घुमाएंगे और 5 चक्र एंटी क्लॉक वाइज, प्रारंभ कीजिए, 5, 4, 3, 2, 1, चेंज करें विपरीत एंटी क्लॉक वाइज, 1, 2, 3, 4, 5, धीरे
से अभ्यास को विराम दें, श्वास प्रश्वास सामान्य करें। हम अगला अभ्यास अर्ध कटि चक्रासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप करें, दोनों हथेलियां जंघों के पास में, दोनों हथेलियों को जंघाओं के पास में स्पर्श करें। राइट हैंड को गति सामान्य रहेगी, ध्यानात्मक अभ्यास है। राइट हैंड को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, मिडिल पर आते हुए हथेली का डायरेक्शन आसमान की ओर हो जाएगा, चेंज करें। धीरे से श्वास लेते हुए हथेलियों को हाथों को अप करें, सिर के पास में भुजा को टच करें, कोहनियां सीधी करें, ऊपर खींचिए। गहरी श्वास लेते हुए एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड डाउन कीजिए, हाथ सीधा रहेगा। ध्यानात्मक अभ्यास है, श्वास प्रश्वास सामान्य करें, होल्ड कीजिए, रुकिए। 5, 4, 3, 2, 1 धीरे से वापस आइए, ऊपर आते हुए धीरे से ऊपर खींचिए संपूर्ण शरीर को, एक्सहेल करते हुए डाउन कीजिए। मिडिल पर आते हुए हथेली का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जमीन की ओर करें, एक्सहेल करते हुए जंघा से स्पर्श करें। ब्लड का सर्कुलेशन हमारे हथेली पर रहेगा। दूसरे हाथ से अभ्यास करेंगे, लेफ्ट हैंड से जंघा को टच करें, पहले हथेली से फील करें। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, मिडिल पर आते हुए हथेली का डायरेक्शन चेंज कीजिए, आसमान की ओर कीजिए। इनहेल करते ऊपर सीधे आते हुए श्वास लेते हुए ऊपर खींचें, एक्सहेल करते हुए राइट साइड, कोहनियां कान से टच होते हुए श्वास प्रश्वास सामान्य करें, होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 एक्सहेल। मिडिल पर आते हुए हथेली का डायरेक्शन चेंज करें, अभ्यास को विराम दीजिए। आंखें बंद करते हुए 5 सेकंड का रिलैक्स, श्वास प्रश्वास सामान्य करें। 1 से 2 गहरी श्वास अंदर लें और गहरी श्वास बाहर छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अगला अभ्यास फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, जिसमें पादस्थासन और पृष्ठभाग का पादस्थासन होगा। अभ्यास देखिए आप, दोनों हाथों को सामने लाइए, ऊपर कीजिए, एक्सहेल करते हुए डाउन कीजिए, घुटने मुड़ेंगे नहीं, गर्दन को डाउन कीजिए जमीन की तरफ। अभ्यास कीजिए प्रारंभ, ऊपर ले जाइए हाथ को, एक्सहेल करते हुए संपूर्ण श्वास को बाहर छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना है, घुटने सीधे रहेंगे, दोनों पैर सीधे रहेंगे, गर्दन को घुटने के पास में ले जाने का प्रयास करें। होल्ड कीजिए, 5, 4, 3, 2, 1 श्वास लेते हुए धीरे से वापस आइए, पादस्थासन के 3 चक्र करेंगे, श्वास प्रश्वास सामान्य करें। दूसरा चक्र प्रारंभ कीजिए, दोनों हाथों को राइट लेफ्ट साइड से ऊपर ले जाइए, संपूर्ण शरीर को ऊपर खींचें, गहरी श्वास लें पहले और एक्सहेल करते हुए अपर बॉडी को डाउन कीजिए। उंगलियों को हथेलियों को जमीन पर टच करने का प्रयास करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुके रहें, होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 श्वास लेते हुए वापस आइए, श्वास प्रश्वास सामान्य कीजिए। यहाँ पर 1 से 2 गहरी श्वास अंदर लें और गहरी श्वास बाहर छोड़ें। पादस्थासन का 3रा और अंतिम चक्र करेंगे, डीप इनहेल एक्सहेल विद डाउन, अपर बॉडी को डाउन करें, होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 इनहेल करते हुए धीरे से वापस आइए, अभ्यास को विराम दें, श्वास प्रश्वास सामान्य करें, 1 से 2 गहरी श्वास अंदर लें, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, डीप इनहेल डीप एक्सहेल। आसन के फ्रंट पॉइंट पर आइए, हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसमें 4 चक्र सूर्य नमस्कार के रहेंगे, 2 चक्र सामान्य रहेंगे और 2 चक्र मंत्रों के साथ रहेंगे। आसन के फ्रंट पॉइंट पर आइए, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए रहेंगे, श्वास प्रश्वास सामान्य करें, मेरुदंड सीधा करें, दोनों हथेलियों को प्रणाम मुद्रा में लाइए। 1 इनहेल करते हुए 2 पीछे जाइए, एक्सहेल करते हुए सामने 3 नीचे,
फोर, लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, अश्व संचालन, पंजा फ्लैट, फोर फाइव, दोनों पैर पीछे, एड़ियों को जमीन से टच करने का प्रयास करें, गर्दन को डाउन करें, कमर के पास घुटने के पास ले जाने का प्रयास करें। सिक्स, सामान्य श्वास के साथ सिक्स, घुटने टच होंगे पहले, चेस्ट टच होगा, चिन जमीन पर टच होगी, कमर का भाग उठा हुआ रहेगा, कमर को ऊपर उठाने का प्रयास करें, होल्ड कीजिए। सेवन, पंजे फ्लैट करें पहले, पंजे फ्लैट करें और चेस्ट को ऊपर उठाइए। सेवन एट, राइट लेग आगे आएगा, अश्व संचालन। नाइन टेन इलेवन, पीछे ट्वेल्व, एक बार देखिए आप लोग। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये है घुटने, चेस्ट, चिन जमीन पर, चेहरा सामने। सेवन, पंजे फ्लैट करेंगे नीचे से ऊपर, भुजंगासन। एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, अभ्यास कीजिए। दूसरा चक्र करेंगे सूर्य नमस्कार का, मंत्रों के साथ में। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, पीछे, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अरिकाय नमः, ओम भास्कराय नमः। श्वास प्रश्वास सामान्य करें, अभ्यास को विराम दें। एक से दो गहरी श्वास अंदर लें और गहरी श्वास बाहर छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। सूर्य नमस्कार के हम दो चक्र करेंगे, आप लोग देखना, उसके बाद तदुपरांत गति के साथ में दो चक्र आप लोगों को करना है, कोई मिस्टेक नहीं होगी बाद में। देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, एक बार और देखिए। प्रणाम मुद्रा, हस्तोत्तानासन टू, पादस्थासन थ्री, नीचे जाएंगे, फोर अश्व संचालन, फाइव षड्मुखी मुद्रा, सिक्स सेवन में भुजंगासन है, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, कुछ आसन का दोहराया भी गया है, मिस्टेक नहीं होगी, प्रारंभ करेंगे। प्रणाम मुद्रा में आइए, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए, श्वास प्रश्वास सामान्य करें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन
अभ्यास को विराम दें, श्वास प्रश्वास सामान्य करें, अपनी आसन पर पीठ के बल शवासन में लेट जाएंगे। पीछे जगह बना लें, एक दूसरे से टच नहीं होंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, दोनों हाथों में 4 से 5 इंच का गैप, हथेलियों का डायरेक्शन आसमान की ओर रहेगा। एक बार मुट्ठी को कागज से बंद करें, एक्सहेल करते ही रिमूव करें, ओपन कीजिए। उंगलियां हल्की सी मुड़ी हुई रहेंगी। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप कीजिए, पंजे जमीन की ओर डाउन कीजिए, एड़ियां अंदर रहेंगी, पंजे बाहर की ओर। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, श्वास प्रश्वास सामान, चेहरे की मांसपेशियां सामान्य करें। चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, हर श्वास के साथ शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं, श्वास स्वतः अंदर आ रही है और स्वतः बाहर जा रही है। संपूर्ण ध्यान अपने पंजे पर लेकर आइए, पैरों की 10 उंगलियों को ढीला छोड़िए, दोनों अंगूठे और 8 उंगलियों को ढीला छोड़िए। पंजों की संपूर्ण मांसपेशियों को रिलैक्स करते हुए, उनका अवलोकन करते हुए, पंजों को, एड़ियों को, एंकर ज्वाइंट को ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान को पंजों से अपने घुटनों पर लेकर आइए, दोनों घुटने का अवलोकन करें, श्वास प्रश्वास सामान्य करें, घुटनों को थैंक्स बोलें, धन्यवाद ज्ञापन करें जो हमें चलने बैठने उठने की शक्ति प्रदान करते हैं। धीरे से घुटनों को ढीला छोड़ दीजिए। घुटने के बाद ध्यान अपनी कमर पर लेकर आइए, संपूर्ण कमर के भाग का अवलोकन करें, संपूर्ण मेरुदंड का अवलोकन करें, संपूर्ण वर्टिब्रास, लंबर रीजन, सर्वाइकल रीजन L1 से L5, C1 से C7 सर्वाइकल रीजन, लंबर रीजन L1 से L5 तक सबका अवलोकन करते हुए ढीला छोड़ दीजिए। पीठ के संपूर्ण भाग को ढीला छोड़िए। पीठ से ध्यान को अपने पेट पर लेकर आइए, संपूर्ण उदर के भाग को ढीला छोड़ दीजिए। लार्ज इंटेस्टाइन, शॉर्ट इंटेस्टाइन, डोडिनम, जोजिनम, एलियम, छोटी आंत, बड़ी आंत और ग्रहणी जो हमारे उदर पर विद्यमान है, जो हमें निरंतर पाचन शक्ति और ऊर्जा प्रदान कराने का कार्य करती है, जो हमारा शरीर गति करता है, वो निरंतर पाचन शक्ति से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके माध्यम से हमारा शरीर गति करता है। उदर को धन्यवाद ज्ञापन करें, संपूर्ण उदर के अवयवों को अवलोकन करते हुए संपूर्ण उदर के भाग को ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान नाभि क्षेत्र पर लाइए, संपूर्ण नाभि क्षेत्र के चारों तरफ के भाग को ढीला छोड़ दीजिए। नाभि क्षेत्र पर मणिपुर चक्र विद्यमान है, जो मणि के समान विद्यमान है, जिसमें कमल के समान पंखुड़ियां होती हैं। मणिपूरक चक्र को सामान्य करें और ढीला छोड़ दीजिए। उधर से ध्यान अपने फेफड़ों पर, हृदय क्षेत्र पर लेकर आइए, हृदय प्रदेश पर श्वास प्रश्वास सामान्य करते हुए हृदय प्रदेश के संपूर्ण भाग को ढीला छोड़ दीजिए। हृदय गति को सुनने का प्रयास करें, जो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। हृदय गति को सामान्य करें, श्वास प्रश्वास सामान्य करें, हृदय गति को सुनने का प्रयास करें, जिसकी ध्वनि लब डब लब डब लब डब के समान प्रतीत होती है। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं, श्वास स्वतः अंदर आ रही है और स्वतः बाहर जा रही है। धमनियां, महाधमनियों का अवलोकन करें। हृदय प्रदेश पर हमारा अनाहत चक्र विद्यमान है, जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, जिसमें अनाहत चक्र हृदय प्रदेश पर विद्यमान है। अनाहत चक्र का अवलोकन करते हुए श्वास प्रश्वास सामान्य करते हुए हृदय प्रदेश के संपूर्ण भाग को ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान हृदय प्रदेश से अपनी गर्दन पर लेकर आइए, जहाँ पर कंठकूप है, संपूर्ण गर्दन की मांसपेशियां सामान्य करें और श्वास प्रश्वास सामान्य करें। गर्दन के पृष्ठ भाग को, अग्र भाग को ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन पर विशुद्धि चक्र विद्यमान है, उसका अवलोकन करें और ढीला छोड़ दें। ध्यान अपने संपूर्ण मुखारविंद फेस पर लेकर आइए,
दोनों नाक, दोनों कान, दोनों आईस, दोनों आंखें, मुंह, जीवा, दांत के संपूर्ण भाग को ढीला छोड़ दीजिए। श्वास प्रश्वास सामान्य करें। दोनों नोस्टल से श्वास अंदर आ रही है और श्वास बाहर जा रही है। एक सूर्य नाड़ी है और एक चंद्र नाड़ी है। एक ऊष्मा प्रदान कराती है और एक शीतलता प्रदान कराती है। धीरे से अवलोकन करें, माथे के भाग का अवलोकन करें जहां पर आज्ञा चक्र विद्यमान है। धीरे से ध्यान को अपने सिर के अग्रभाग पर लेकर जाइए जहां पर सहस्रार चक्र विद्यमान है। 1000 कमल की पंखुड़ियों के समान सहस्रार चक्र का आकार है, उसका अवलोकन करें और धीरे से ढीला छोड़ दें। श्वास प्रश्वास सामान्य करें। ध्यान को कंधों पर लेकर आइए। दोनों कंधों को, शोल्डर को ढीला छोड़ें, कोहनियों के भाग को ढीला छोड़ें। ध्यान को हथेलियों पर लेकर आइए। हथेलियों के संपूर्ण भाग को ढीला छोड़ते हुए हाथों की 10 उंगलियों को ढीला छोड़ें। संपूर्ण थकान हथेलियों के माध्यम से बाहर निष्कासित होती हुई और श्वास प्रश्वास सामान्य करें। चेतना शरीर पर लेकर आइए। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाइए, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाइए। दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे, दोनों पैरों को आपस में जोड़ें। दोनों हाथों के सिर के भाग पर करें, ऊपर ले जाइए। अपर और लोअर बॉडी को सांस लेते हुए नीचे और ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें। ऊपर खींचिए, राइट साइड करवट लेते हुए, राइट साइड करवट लेते हुए संपूर्ण शरीर को ऊपर नीचे की ओर खींचने का प्रयास करें। मिडिल पर आइए, मध्य पर आइए, मध्य पर आते हुए लेफ्ट साइड करवट लेते हुए शरीर को ऊपर नीचे खींचने का प्रयास करें। बाएं करवट लेते हुए अपनी आसन पर सुखासन या वज्रासन में बैठेंगे। शरीर सीधा, मेरुदंड सीधा, किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं। श्वास प्रश्वास सामान्य करें। मेरुदंड को सीधा करें। गर्दन की मांसपेशियां सीधी रहेंगी। हम प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं। श्वास प्रश्वास सामान्य करें। सुखासन में आइए। आसन बाद में बदली नहीं जाएगी। आप जिस आसन में हैं उस आसन में पूरा अभ्यास करेंगे। एडजस्ट करें शरीर को। कंधे सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में रहेंगी। फर्स्ट फिंगर के फर्स्ट टिप को लॉक करें। तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। आंखें बंद करते हुए श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करनी है। नोस्टल के अग्रभाग पर, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्वासों का अवलोकन करना है। ठंडी श्वास, शीतल श्वास अंदर प्रवेश कर रही है और ऊष्म श्वास बाहर निष्कासित हो रही है। 1 मिनट उसका अभ्यास करेंगे। धीरे से अभ्यास को विराम दें। अगला अभ्यास हम प्राणायाम नहीं, कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। हथेलियों का डायरेक्शन चेंज करें। हथेलियां घुटनों पर लाइए, दोनों शोल्डर को उठाइए, दोनों शोल्डर ऊपर रहेंगे। सिर्फ हमें श्वास छोड़ने का अभ्यास करना है। पहले श्वास प्रश्वास सामान्य रहे, चेहरे की मांसपेशियां सामान्य रहेंगी। अभ्यास कीजिए। 3 चक्र रहेंगे जिसमें आपको 10-10 के स्ट्रोक करने हैं। फर्स्ट राउंड 10, सेकंड राउंड 10 और थर्ड राउंड 10 का अभ्यास कीजिए। स्टॉप। सामान्य श्वास करें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। कपालभाति क्रिया का दूसरा चक्र करेंगे। अभ्यास को विराम दें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल।
कपालभाति क्रिया का तीसरा चक्र करेंगे, प्रारंभ कीजिए। सिर्फ हमें श्वास को बाहर छोड़ना है, श्वास पथ अंदर प्रवेश करेगी। धीरे से अभ्यास को विराम दें, आंखें बंद, श्वास प्रश्वास सामान्य करें। उदर पर, चेस्ट पर, गले पर, स्वनोनुष्ठल पर जो बदलाव आए हैं उनका अवलोकन करें, और जो मस्तिष्क पर तरंगे उत्पन्न हुई हैं उनका अवलोकन करते हुए श्वास प्रश्वास सामान्य करें। कपाल विभाति क्रिया शरीर शोधन प्रक्रिया है, संपूर्ण उदर के विकार को शांत करते हुए। डायबिटीज, शुगर की प्रॉब्लम से निजात दिलाने वाला अभ्यास है, कब्ज की प्रॉब्लम से निजात, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से निजात दिलाने वाला, रोग से निजात दिलाने वाला अभ्यास है। एक से दो गहरी सांस अंदर लें, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में लाइए, ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड को ओपन कीजिए, अंगूठे से राइट नोस्टल को बंद कीजिए, लेफ्ट से श्वास को अंदर लीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम में 1-2 का रेशो रहेगा। अगर 4 सेकंड में श्वास को अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो 8 सेकंड में श्वास को एक्सहेल करेंगे। यदि 5 सेकंड में श्वास को ले रहे हैं तो 10 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अभ्यास कीजिए, गर्दन सीधी रहेगी, मेरुदंड सीधा, चेहरे की मांसपेशियां सामान्य करें। इन्हेल 10 चक्र करेंगे अनुलोम विलोम के, इन्हेल एक्सहेल। लेफ्ट से श्वास लेनी है, राइट से छोड़नी है, राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है, 1 चक्र हुआ। जिससे एक्सहेल किया है, जिस नोस्टल से श्वास को बाहर छोड़ा है उसी से पुनः श्वास को लेना है, और अपोजिट साइड दूसरे नोस्टल से श्वास को एक्सहेल करना है, और फिर उसी से ही पुनः श्वास को इनहेल करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करता हुआ, माइग्रेन स्ट्रेस की प्रॉब्लम से निजात दिलाने वाला अभ्यास है, हृदय गति को सामान्य करता हुआ, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को सामान्य करने वाला अभ्यास है, ध्यानात्मक अभ्यास है, शरीर शोधन प्रक्रिया है, संपूर्ण शरीर के विकारों को शांत करने वाला अभ्यास है। अनुलोम विलोम प्राणायाम मेडिटेशन के श्रेणी में आता है, जो हमारे संपूर्ण मस्तिष्क के विकारों को शांत करने वाला अभ्यास है। श्वासों की गति सामान्य रहेगी, 4 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो 8 सेकंड में श्वास को एक्सहेल करेंगे। बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास को विराम देंगे। दोनों हथेलियां घुटनों पर आ जाएंगी, ज्ञान मुद्रा में श्वास प्रश्वास सामान्य करेंगे। 1 से 2 गहरी श्वास अंदर लें और गहरी श्वास बाहर छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अगला अभ्यास मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मूर्छा प्राणायाम दोनों नोस्टल से पहले देखेंगे, दोनों नोस्टल से श्वास को लेना है, गर्दन को ऊपर ले जाना है, अप करेंगे, मुंह खोलते हुए श्वास को एक्सहेल करेंगे। देखेंगे पहले मुंह बंद करते हुए सामने आएंगे, 5 चक्र करेंगे मूर्छा प्राणायाम के। प्रारंभ कीजिए, गर्दन को अप कीजिए, मुंह खोलते हुए एक्सहेल, इनहेल करते हुए गर्दन को सीधी कीजिए, श्वास प्रश्वास सामान्य करें, फिर से श्वास को अंदर लीजिए, गर्दन को अप कीजिए, एक्सहेल। संपूर्ण शरीर की थकान शांत करने वाला अभ्यास है। अगर नींद नहीं आ रही है रात के समय तो मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, आप 2 से 3 मिनट में आप गहरी निद्रा में प्रवेश कर चुके होंगे। 4th चक्र करेंगे मूर्छा प्राणायाम का, अंतिम चक्र, डीप इनहेल, धीरे से अभ्यास को विराम दें, गर्दन सीधी, आंखें बंद, श्वास प्रश्वास सामान्य करें।
हर अभ्यास के बाद एक से दो गहरी सांस अंदर लेनी है और गहरी सांस बाहर छोड़नी है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम में कानों के टिप को बंद करना है, अंगूठा अंदर नहीं डालना है, ये जो टिप है उसको थोड़ा सा लॉक करेंगे। फर्स्ट फिंगर माथे पर, सेकंड आंखों को दबाना नहीं है, सिर्फ स्पर्श करानी है। सेकंड आंखों पर, थर्ड दोनों नोस्टल पर, नासिका के भाग को भी दबाना नहीं है, लास्ट फिंगर हमारे ओंठों के ऊपर भाग पर। जीवा को तालु हाथ से स्पर्श कराइए, पहले जीवा को तालु हाथ से स्पर्श कराइए। श्वास अंदर लें, डीप इनहेल एक्सहेल विद साउंड, श्वास बाहर छोड़ते हुए भौरे के समान गुंजायमान। तीन बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। धीरे से भ्रामरी प्राणायाम को विराम देंगे, आंखें बंद रहेंगी, आंखों को खोलने का प्रयास नहीं करना है। अगर आंखों का भ्रामरी के पश्चात खोलने का प्रयास करेंगे तो नेत्र विकार उत्पन्न होगा। श्वास प्रश्वास सामान। तीन बार प्रणव नाद ओंकार को उच्चारण करेंगे। ज्ञान मुद्रा में आइए, गर्दन सीधी, आंखें बंद, गहरी श्वास अंदर लें, डीप इनहेल एक्सहेल विद ओंकार साउंड। होने वाली जो मस्तिष्क पर तरंग है, जो ऊर्जा उत्पन्न हमारे शरीर पर भी है, उसका अवलोकन करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, एक लंबा घर्षण। दोनों हथेलियों पर ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद, दोनों हथेलियां गर्म होने के पश्चात धीरे से अपनी आंखों पर स्पर्श कराएंगे। माथे पर, संपूर्ण फेस पर, धीरे से हथेलियों को गर्दन पर, चेस्ट पर, उदर पर, कमर के भाग पर, जंघाओं पर, घुटनों पर, टखनों पर, एंकर जॉइंट और पंजों पर धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य करें। पहले एक से दो गहरी सांस अंदर लें और गहरी सांस बाहर छोड़े। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। रिलैक्स। आज का अभ्यास यहीं विराम करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।
सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे।